गठबंधन सरकार की उड़ेगी खिल्ली, मोदी की अज्ञानता से गिरेगी गठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के इशारे पर नाचेगा लोकसभा, बुरी तरह फंस गए हैं मोदी साहब। मोदी सरकार अब बस कठपुतली बनकर रह गई है। बीजेपी के पास ज्यादा सीटें होने पर भी कमान तो नायडू और नीतीश के हाथ ही रहेगी। जैसे कि भारत की राजनीति में देखा जा सकता है कि सत्ता तो आई ही लेकिन अपने साथ दो सौतन भी ले आई। वैसे बीजेपी इस बात की खुशी मना रही है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन पावर का बंटवारा तो हो चुका है जिससे प्रधानमंत्री के पद पर रहने पर भी फैसलों से पीएम मोदी बहुत दूर रहने वाले हैं। वेल, तो आखिर सत्ता के इस बंटवारे में गठबंधन की सरकार कैसी रहेगी और गठबंधन का दौर कब से शुरू हुआ, आइए आपको उस दौर की सैर पर ले चलते हैं। दरअसल एनडीए की नई बनने वाली सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में है। ऐसे में दोनों नेताओं के मांगों की अहमियत काफी ज्यादा है। 9 जून को नई मोदी कैबिनेट शपथ ग्रहण करने वाली है। सहयोगी दलों को सरकार में शामिल करने का फॉर्मूला भी सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि एनडीए की नई सरकार में साथी दलों के हर 4 सांसद पर एक मंत्री बनाया जाएगा। सभी दलों के सहयोग से टिकाऊ सरकार बने इसकी कवायद चल रही है। दरअसल ये फॉर्मूला नीतीश कुमार ने ही एनडीए के आगे रखा है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में 12 सीटें जीते हैं। इस लिहाज पर उनका होना एनडीए के लिए बहुत अहम है। वहीं जेडीयू के हवाले से खबर आई है कि नीतीश कुमार ने 3 मंत्रालय की मांग रखी है। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ ही 4 सांसद पर एक मंत्रालय का फॉर्मूला सरकार के सामने रखा। दरअसल 12 सांसद जेडीयू के हैं, इसलिए वो 3 कैबिनेट चाहती है। वो 3 कैबिनेट है रेल, एग्रीकल्चर और फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज नीतीश कुमार की प्रायोरिटी है। वहीं नायडू भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 5 मंत्री पद और लोकसभा स्पीकर की पोस्ट की मांग रखी है। मतलब टीडीपी के 16 सांसदों में चंद्रबाबू नायडू के हर 3 पर एक पद की डिमांड रखी है। बीजेपी ने सांसदों वाली बात तो मान ली, लेकिन स्पीकर और विशेष राज्य का दर्जा अभी इन पर कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, डिमांड मानने के बाद भी कोई भरोसा नहीं है कि गठबंधन की सरकार चलती रहेगी। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि सबसे पहली गठबंधन की सरकार कब बनी। दोस्तों, पहले आम चुनाव यानी 1952 के बाद से अब तक 72 सालों के चुनावी सफर में देश ने करीब 31 साल गठबंधन सरकारों का दौर देखा है। 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार पहली गठबंधन सरकार थी। इसके बाद 1989 में वीपी सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। उनकी सरकार के गिरने के बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के बाहर समर्थन से सरकार चलाई थी। 1991 में कांग्रेस को 232 सीटें मिली, जिससे पीवी नरसिंह राव को कई दलों के भरोसे रहना पड़ा। 1966 के चुनाव के बाद सबसे बड़े दल भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जरूर बने थे, लेकिन बहुमत नहीं जुटा सके, इसलिए उनकी सरकार 13 दिनों में ही गिर गई। उसके बाद HD देवगोंडा की अगुवाई में 13 दलों से मिलकर बने संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जिसे बाहर से कांग्रेस का समर्थन हासिल था। 1996 से 2014 तक देश ने गठबंधन सरकारों का लंबा दौर देखा। गठबंधन सरकारों ने आर्थिक सुधार के मामले में दिशा दिखाई, लेकिन अपने सहयोगियों को रूठने मनाने से जूझती रही। लेकिन गठबंधन सरकार की कुछ कमियां और अच्छाइयां भी होती हैं, तो चलिए उन पर नजर डालते हैं। गठबंधन सरकार की चुनौती होती है कि सबको खुश रखना पड़ता है, सबकी बात सुननी पड़ती है, कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि देश हित में नहीं होते, जैसा कि मनमोहन जी की सरकार में देखने को मिला था। इतने घोटाले होने के बाद भी वो उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर वो कुछ करते तो कांग्रेस की उनकी सरकार गिर जाती। पर इसका अच्छा पहलू ये है कि अगर गठबंधन में सभी लोग ईमानदार हैं तो किसी एक पार्टी की मनमर्जी नहीं चल पाएगी। दूसरी पार्टियां उनको समझा सकती हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और अगर वो पार्टी फिर भी अपनी मनमर्जी करे तो बाकी पार्टियों के पास हमेशा अपना समर्थन वापस लेकर सरकार को गिराने का विकल्प रहेगा। इस वजह से जो सरकार चला रहा है उसको सोच समझकर फैसले लेने होंगे, और बाकी समर्थक पार्टियां उसे बेहतर तरीके से सरकार चलाने में मदद करेंगी।